ठोका दीजिए जब आप लाइव आएंगे। अच्छा शेयर अभी लाइव जब आने लगे तो यहाँ पे लाइव चैट लिखकर आएगा। हाँ। तो उसी पर टेस्ट कर देंगे तो जितना अच्छा भी चैट ठीक अच्छा लोग अच्छा अच्छा ये ये था है ये हो गया लाइव चैट नहीं लिख रहा है लाइव दिखा नहीं रहा इसमें हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं चंदन मिश्रा फ्रॉम पांडे क्लासेस प्रयागराज। ठीक है बेटा तो आज बेटा आपके क्लास टेंथ की केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होने चल रहा है। बेटा आपके केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है बेटा तो जो टॉपिक का जैसा नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो बेटा उसी पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देखिए बेटा आप लोग डेली लाइफ में हमेशा सुनते होंगे कि हम मिल्क को रखें और 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे बाद बेटा वो क्या हो जाता है कर्ड बन जाता है। ठीक है इट इज द केमिकल प्रोसेस। ठीक उसके बाद क्या होता है कभी कभार देखो अचानक आपको खुशियां आ जाती हैं आप हैप्पीनेस हो जाते हैं बेटा दिस इज द केमिकल प्रोसेस। ओके तो हम डेली लाइफ में होने वाले केमिकल प्रोसेस के बारे में समझेंगे। ठीक है बेटा तो सबसे पहला पॉइंट आपको हम पढ़ाए चल रहे हैं केमिकल रिएक्शन। जैसा कि चैप्टर बोल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो बेटा उसी के आधार पे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप एक छोटी सी डिफिनेशन लिखेंगे क्या कि व्हेन नेचर एंड आइडेंटिटी व्हेन नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सबस्टेंस। फिर समझे बेटा क्या लिखा है व्हेन नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सबस्टेंस लॉस एंड न्यू कॉम्पोजिशन new composition will be formed।
विल बी फॉर्म, ठीक है। दिस प्रोसेस आर नोन एज, दिस प्रोसेस आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? केमिकल रिएक्शन। ओके, तो बेटा पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। पॉइंट में आपसे बोल रहा है कि द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सबस्टेंस लॉस एंड न्यू कंपोजिशन विल बी फॉर्म, दिस प्रोसेस आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब बेटा क्या होता है कि हमारे पास एक कोई सबस्टेंस होगा, और सबस्टेंस में क्या होगा बेटा, जब प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है ना बेटा, जब क्या होगा, प्रोसेस शुरू होगा, तो प्रोसेस शुरू होने के बाद सबस्टेंस अपना नेचर और आइडेंटिटी क्या कर देता है, लॉस कर देता है, और उसके बाद बेटा एक न्यू कॉम्पोजिशन बनता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। एम आई राइट? ओके, देखिए आप लोग देखे होंगे किताबों में एक एरो बना होता है, ठीक है। तो बेटा याद रखेंगे कि एरो के पहले जो भी लिखा जाता है दैट इज रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज रिएक्टेंट। ओके, देखो सामने। और बेटा रिएक्टेंट के बाद जो लिखा जाता है दैट इज प्रोडक्ट। क्लियर है? जैसे सपोज दैट, एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने बेटा एक रिएक्शन लिखा कि C+O2, ओके, और रिएक्शन के बाद बेटा हमको क्या बना, CO2। समझे? देख, C+O2 एरो CO2, तो बेटा रिएक्शन का नाम क्या होगा, समझेंगे बाद में कौन होता है, कंबस्शन है, बाद में समझेंगे। अभी आप केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानना सीखिए। क्लास नाइन्थ में आप ये छोटी चीजें पढ़ी होंगी बेटा, हम एक बार आपको रिवाइज करा रहे हैं। देखिए दास, तो अभी बताया गया कि रिएक्टेंट के पहले जो लिखा जाता है, सॉरी, एरो के पहले बेटा जो लिखा जाता है दैट इज रिएक्टेंट, और बेटा एरो के बाद जो लिखा जाता है दैट इज प्रोडक्ट। ओके, समझे? आगे देखिए, प्रोसेस का नाम केमिकल रिएक्शन। अभी हम बेटा केवल केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमको दो पॉइंट पढ़ना है, रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने क्या किया, CO2 और H2O को बेटा रिएक्ट कराया विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बायो में पढ़ चुके होंगे कि पेड़ पौधे बेटा अपना जो फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ओके, क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेगा पौधा, प्लांट क्या करेगा बेटा, CO2 कहां से लेता है, एटमॉस्फेयर से। ओके, उसके बाद बेटा जो H2O होता है वो पौधे कहां से लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ रूट्स। किससे लेते हैं बेटा, विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो CO2 कहां से मिला आपको, एटमॉस्फेयर से। H2O कहां मिला बेटा, विद द हेल्प ऑफ रूट। तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है, पॉइंट समझेंगे, क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। ओके बेटा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो सिंथेसिस। हम आपको बायो नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि आपको हम केमिकल रिएक्शन करना बता रहे हैं, ठीक है ना, आपको हम बायो नहीं पढ़ा रहे, बल्कि बेटा हम आपको केमिकल रिएक्शन करना बता रहे हैं, ठीक है, देखते रहिए। अब क्या होगा आगे, ये बेटा जो ऑक्सीजन होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं
और बेटा हम लोग एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, रेस्पायरेशन। क्या करते हैं बेटा? रेस्पायरेशन। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारा और प्लांट का जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। ठीक है ना बेटा? क्या होता है? जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर आपको बताया क्या जा रहा है केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि जब CO2 H2O से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, HB का मतलब बेटा क्या होता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो बेटा क्या बनेगा, ग्लूकोज, और साथ में क्या मिलता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलता है बेटा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और जो ऑक्सीजन मिलता है बेटा, ये ऑक्सीजन हेल्प करता है हम लोगों के रेस्पायरेशन। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते रहिए बेटा। जहां समझ ना आए आप तुरंत कमेंट करिएगा, हम आपको क्लियर करते चलेंगे। और देखिए, और देखिए, जैसे लिखा हो, जैसे लिखा हो आपका डेली लाइफ में, आप लोग बेटा देखते हो मिल्क, बेटा मिल्क के अंदर एक शुगर होता है जिसको अपन बोलता है लैक्टोज। क्या बोलते हैं हम लोग, लैक्टोज। ओके, लैक्टोज को बेटा हम लोग क्या करते हैं, लैक्टोज पे हम लैक्टोबैसिलियस एंजाइम का यूज करवा के इसको चेंज करते हैं कर्ड में। किसमें करते हैं बेटा, कर्ड। क्लियर हो गया? तो लैक्टोज को हम लोग कर्ड की हेल्प, सॉरी, किस एंजाइम की हेल्प से, लैक्टोबैसिलियस एंजाइम की वजह से हम लोग किसमें चेंज करते हैं बेटा, कर्ड में। क्लियर है? तो ये भी प्रोसेस आपकी क्या होगी, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो यहां बताया आपको जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में एरो के पहले बेटा लिखा जाता है रिएक्टेंट, और एरो के बाद आपको लिखा जाता है प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, देखते रहिए। और देखिए, और देखिए, जैसे हमने एक रिएक्शन लिया, जैसे एक रिएक्शन लिया कि आयरन है, आयरन की रिएक्शन भी किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से। ठीक है, और ऑक्सीजन कहां से मिलेगा हमको बेटा, याद रखिएगा, ऑक्सीजन यहां कहां से मिलता है, एयर से। ओके, और साथ में होगा बेटा एक्स मोल H2O। ठीक, रिएक्शन के बाद ये बनेगा Fe2O3 into H2O। ठीक है, इसका नाम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। दिस इज द केमिकल प्रोसेस। और बेटा इस प्रोसेस का नाम होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन, एम राइट? ओके, तो क्या होगा, जब आयरन एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, विद एब्जॉर्ब करेगा वाटर को एटमॉस्फेयर से, तो बेटा बनता है फेरिक ऑक्साइड, और साथ में क्या होगा, X mol H2। ठीक है, क्या होगा बेटा, X mol H2। ठीक, प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा, प्रोसेस का नाम क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये क्या होता है, कभी आप लोग देखे कि घरों में क्या होता है, कहीं आयरन्स पड़े होते हैं जहां पर उन्हें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की पावर आ जाती है। क्या होता है, हम महीने दो महीने साल भर में जब उस आयरन को देखते हैं तो उनके ऊपर बेटा क्या लग जाता है, एक जंग लग जाता है। देखा होगा कभी आप लोगों ने, उसके ऊपर क्या लग जाता है बेटा, जंग लग जाता है। तो वही लोहे पर बेटा जो जंग लगता है, दिस इज द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और बेटा अपना क्या बनाता है, एक लेयर बना देता है, और हम कहते हैं कि लोहे पर क्या लग गई बेटा, जंग लग गया है। क्लियर है? ओके, और देखिए, सभी केमिकल प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से केमिकल प्रोसेस होती है। आगे देखिए, अगला, जैसे जैसे हमें
अगर ग्लूकोज दिया गया है विद द हेल्प ऑफ ओ टू, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, सॉरी, ग्लूकोज को क्या किया, देखिए ध्यान से, ईस्ट की हेल्प से चेंज कराते हैं C2H5OH प्लस CO2, किस पे चेंज कराते हैं बेटा, C2H5OH प्लस CO2, ठीक है। क्या आपको ग्लूकोज का फार्मूला पता है? नहीं पता, देखो बेटा, C6H12O6, am I right? ओके, आप क्या करेंगे, ग्लूकोज को ईस्ट की हेल्प से फर्मेंटेशन करवाएंगे, और बेटा फर्मेंटेशन करने के बाद हमको क्या मिलता है, एथाइल एल्कोहल, क्या मिलता है बेटा, एथाइल एल्कोहल, और साथ में क्या मिलता है, CO2। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, क्या होता है बेटा, फर्मेंटेशन। गांव देहातों में जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो अल्कोहल बनाने के लिए इस प्रोसेस का बेटा यूज करता है, ठीक है। वो ग्लूकोज को ले आता है और ईस्ट की हेल्प से क्या कराता है, फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन की वजह से बेटा क्या होता है, एथाइल अल्कोहल बनता है और अपना काम शुरू कर देता है, क्लियर है। तो बेटा क्या आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में मालूम चल चुका है, क्या हम ये जान चुके हैं कि आप केमिकल रिएक्शन समझ गए हैं, कैसे होता है केमिकल रिएक्शन, क्लियर है पॉइंट, ओके। आगे देखिए, तब तक बच्चों के हम चैट देखते हैं, रिश्का यादव जी पूछ रही हैं कि सर मिल्क का केमिकल नेम होता है क्या? नहीं बेटा, मिल्क का कोई केमिकल नेम नहीं होता है, मिल्क को बेटा हम लोग मिल्क ही कहते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई वो चीज नहीं है। आगे देखिए, मिल्क का कोई केमिकल नेम नहीं है। आगे देखिए, हाँ, मिल्क से, मिल्क में जो लैक्टोज होता है, सुगर, जो उसका सुगर होता है, दिस इज लैक्टोज, बेटा हम लैक्टोज को क्या कराते हैं, लैक्टोबैसिलियस की हेल्प से कर्ड में चेंज कराते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द केमिकल प्रोसेस। हम आपको केवल यहां पर यह बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे की जाती है, उनका क्या प्रोसेस होता है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए पॉइंट को बेटा। जब आप लोग देखे होंगे कि कभी कभार जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के बाद कहीं कहीं टेम्परेचर चेंज होता है, कहीं कहीं उसकी डेंसिटी चेंज होती है, कहीं कहीं उसका कंपोजिशन चेंज होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो हमको दो टाइप की चेंजेस दिखाई देती है, एम आई राइट, ओके। एक होता है बेटा फिजिकल चेंज, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा केमिकल चेंज। बात समझ में आ रही है, एक होता है केमिकल चेंज और बेटा दूसरा होता है फिजिकल चेंज। तो हम पॉइंट को लिखेंगे कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टू टाइप ऑफ चेंजेस विल बी सीन। क्लियर हो गया पॉइंट। तो बेटा जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो हमको दो चेंजेस आपको दिखने को मिलता होगा। एक को बेटा हम लोग बोलते हैं, ऐसे नाम लिख रहे हैं, एक को बेटा हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है बेटा केमिकल चेंज। पॉइंट क्लियर हो रही है? तो बेटा दो टाइप की चेंजेस दिखती है आपको, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज, ओके। चलिए देखते रहिए,
वाय शिव नारायण उपाध्याय जी कह रहे हैं वाय सर देयर इज नो एनी अदर नेम ऑफ मिल्क। ओके बेटा, मिल्क का कोई अदर नेम नहीं होता, कोई केमिकल नेम नहीं होता है, आपको केवल मिल्क को मिल्क ही जानना है। ठीक है, आपको अगर मिल्क के बारे में और पढ़ना है बेटा तो आपके बायो के टर्म में हम बताएंगे। यहाँ पर केवल आपको हम इतना सिखा रहे हैं कि हमारे पास कोई मिल्क होता है, हम उसको लैक्टोबैसिलियस की हेल्प से कर्ड में परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। दिस इज द केमिकल प्रोसेस। ओके आइए, तो बेटा क्या होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टू टाइप ऑफ चेंजेस विल बी सीन। पहले को बेटा हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज और दूसरे को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। तो क्या होता है फिजिकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। क्या होता है फिजिकल चेंज और बेटा क्या होता है केमिकल चेंज, आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज दैट, समझो मान लो ये हमारे पास एक पेज है। सपोज देखिए, जैसे मान लो बेटा ये हमारे पास क्या एक पेज है, दिख रहा है आपको सबको? ओके, अगर बेटा हम इस पेज को फाड़ दें, फाड़ेंगे तो नहीं, समझ लीजिए बात को, अगर बेटा हम इस पेज को फाड़ दें तो ये बताइए कि जब इसके मान लोते हैं दो टुकड़े हो गए, ऐसे फाड़ दिया दो टुकड़ा हो गया, क्लियर। अब खुद बताओ बेटा क्या इस दो टुकड़ों में कागज आपको दिखेगा? आप कहोगे बिल्कुल सर, जब हमने बेटा इसको क्या किया फाड़ दिया, हमने क्या किया बेटा इसको फाड़ दिया, इसके कंपोजिशन को हमने क्या कर दिया चेंज कर दिया। ध्यान देखिएगा बेटा, हमने इसकी कंपोजिशन क्या कर दिया चेंज कर दिया। क्या फाड़ने के बाद वो कागज अब भी है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर वो अब भी कागज ही है। ठीक, तो दिस इज द फिजिकल प्रोसेस, आप उसके कंपोजिशन को चेंज किए हैं लेकिन उसका नेचर अभी चेंज नहीं हुआ है बेटा, अब पहले भी कागज था अब भी कागज ही है, क्लियर हो गया। दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। ओके, हम क्या करें बेटा इस कागज में आग लगा दें, तो अब बताइए क्या ये कागज वापस से कागज ही रहेगा? आप कहोगे जी नहीं सर, आप कहोगे जी नहीं सर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज नेचर चेंज नहीं होता बेटा, नेचर वही रहता है। ठीक है ना, अगर हम लोग क्या करें इसको जला दें तो जलने के बाद बेटा ये राख बन जाएगा और राख को हम वापस से कागज में परिवर्तित नहीं कर सकते और वो CO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। दैट इज द फिजिकल केमिकल प्रोसेस। ओके चलिए आगे देखिए, देखते रहिए। चलिए आगे देखते रहिए पॉइंट को। हाँ एस, वेरी गुड बेटा, क्या बोलेंगे एस। ठीक है, हमने वही बताया क्या बनेगा, वो राख बनेगा और CO2 गैस मिलकर उड़ जाएगा। हमने जब कागज को जलाया तो बेटा कागज किसमें चेंज हो गया एस में। ठीक है, और वहां से क्या निकला CO2 गैस। दिस इज द केमिकल प्रोसेस। ओके, सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंज। देखते चलिए, सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंज। क्या होता है फिजिकल चेंज, याद रखेंगे लिखेंगे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होगा डेंसिटी, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन डेंसिटी कलर टेम्परेचर ठीक है ईटीसी आर चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट टू
प्रोडक्ट आर नोन एज प्रोडक्ट आर नोन एज फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज ओके पॉइंट क्लियर हो रही बेटा। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से रिएक्शन चलकर प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान देखिएगा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, तो क्या क्या चेंज हो सकता है, डेंसिटी चेंज हो रही हो, कलर चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो बेटा ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। एम आई राइट, क्लियर हो रही पॉइंट? तो बेटा याद रखेंगे, जब रिएक्शन हो रही हो और रिएक्शन के बाद उसकी डेंसिटी, उसका टेम्परेचर, उसका कलर चेंज हो रहा हो, तो बेटा ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। क्लियर है? एग्जांपल से और समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। फिजिकल चेंज में क्या बताया, क्या नेचर बदलेगा, नहीं, क्या नेचर बदलेगा, नहीं। देखिए जैसे एग्जांपल देखो, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जब वाटर सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक बेटा, बोलेंगे सॉलिड से लिक्विड बनाने की प्रोसेस, कौन बताएगा, सॉलिड से लिक्विड बनाने की प्रोसेस, ओके बताते हैं, लिक्विड से वाटर वेपर बनाने की प्रोसेस, एज ए गैस बनाने की प्रोसेस, ठीक, उल्टा जाएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करिए कि बेटा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स, आइए रिवर्स बेटा क्या होगा, इट कन्वर्ट इनटू एस। शिव नारायण उपाध्याय कह रहे हैं बेटा क्या बोल रहे हैं आप, इट्स कन्वर्ट इनटू एस, वो तो एस में ही चेंज होगा। हम ये बता रहे हैं आपको कि जब भी कागज को जलाएंगे तो बेटा जो गैस निकलती है, जो दिस इज द केमिकल प्रोसेस, केमिकल में क्या होता है, CO2 गैस रिलीज हो रही, क्या फाड़ने पर आपको गैस निकली थी, नहीं, लेकिन जलाने पर क्या बेटा कंबस्शन होगा, क्या होगा, कंबस्शन, और कंबस्शन की वजह से क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है और एक गैस निकलती है, दैट इज CO2, ठीक है। चल देखते रहिए, वेरी गुड, कॉस्टूबम क्या है, शुक्ला जी कह रहे हैं वेपराइजेशन, वेरी गुड, सॉलिडिफिकेशन, अनन्या यादव वेरी गुड, बेटा क्या है, सॉलिडिफिकेशन, देखिए वेरी गुड, आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, सोचो आप हाथ में आइस ले लिए, आइस बेटा क्या हुआ, धीरे धीरे गलना शुरू हुआ, मेल्ट करना शुरू हुआ, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, एम आई राइट, ओके, जरा देखिए लिक्विड से बेटा गैस बनने को, प्रोसेस को, जैसा शुक्ला जी बोले हैं, देखिए वेपराइजेशन, क्या बोलते हैं बेटा, वेपराइजेशन, चलिए उल्टा देखिए, अगर बेटा हम लोग वेपर से लिक्विड आते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन, क्लियर हो गया, ओके। अब बेटा हम लिक्विड से हम लोग सॉलिड में आते हैं, दिस इज द सॉलिडिफिकेशन, क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, दिस इज द प्रोसेस, ओके। तो आप देखिए जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे थे, क्या नेचर चेंज हो रहा था, पहले भी बेटा वाटर ही था, बाद में भी वाटर है, उसके बाद वाटर है, तो क्या वाटर अपना कंपोजिशन चेंज कर रहा है, नहीं, नेचर चेंज हो रहा है, लेकिन बेटा क्या हो रहा है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, और जब कंपोजिशन चेंज ना हो बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस, ओके। एक पॉइंट लिखेंगे फिजिकल प्रोसेस में कि इट इज रिवर्सिबल
रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या होता है? इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान देखिएगा, आप सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहे हैं, क्या वापस आ सकते हैं? तो बेटा आप कहेंगे बिल्कुल सर, हम वेपर से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में आ सकते हैं। ठीक है, क्या रिएक्शन दोनों साइड चल रही है? ठीक है, यस बिल्कुल चल रही है। तो बेटा ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, ऐसे रिएक्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, देखिए पॉइंट को समझिए, कमेंट में आपको हम बताते हैं, पहले पॉइंट को समझ चलिए कि बेटा क्या सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वेपर में जा रहा है? यस, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड आ रहा है? यस। तो बेटा ये जो रिएक्शन चल रही है, ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो बेटा अभी किसके बारे में डिस्कस किया गया? फिजिकल प्रोसेस के बारे में। ओम तिवारी सर, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल? बेटा बता रहे हैं, पहले हम आपको फिजिकल के पॉइंट को बता देते हैं, उसके बाद हम केमिकल को बताते हैं। समझे बात को, फिर समझे। क्या फिजिकल में कॉम्पोजिशन चेंज होता है? नहीं। वही कहीं देखिए, कंपोजिशन अभी भी H2O था, अभी भी H2O है, अभी भी H2O ही है। क्या कंपोजिशन चेंज हुआ? नहीं। तो बेटा कंपोजिशन चेंज ना हो, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रोसेस। ओके, नोट करते चलिए। दूसरा है, दूसरा प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस, दूसरा है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस देखिए बेटा, केमिकल प्रोसेस में क्या होगा खुद समझिए। फिजिकल प्रोसेस में कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, लेकिन बेटा केमिकल प्रोसेस में कंपोजिशन चेंज हो जाता है, यही डिफरेंस होता है। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है? कंपोजिशन चेंज नहीं होता, लेकिन केमिकल प्रोसेस में फिजिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो इसके साथ डिफिनेशन लिखेंगे, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कंपोजिशन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विल बी चेंज। ओके बेटा, जो कंपोजिशन होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर, वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसलिए बेटा ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है जैसे हमने क्या किया, कार्बन, अभी बताया गया कि कार्बन को बेटा हमने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो ये बेटा क्या बनेगा? CO2, दिस इज द बर्निंग। ओके, और देखो जैसे हमने क्या किया, CH4 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, बनेगा CO2 + H2O। ठीक है, क्या बनेगा बेटा? CO2 and H2O, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंबशन। दोनों प्रोसेस कौन सी होती है बेटा? ये कंबशन की होती है। ठीक है,
कंबस्शन क्या होता है आगे बताएंगे कि जब किसी मॉलिक्यूल को या एटम को किसी को भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो बेटा ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबस्शन रिएक्शन। क्लियर है? ओके। और देखिए, जैसे जैसे रिएक्शन करा दिया कि पीबी एनओ थ्री का ट्वाइस, ठीक है, रिएक्शन करा दिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या जो आप रिएक्टेंट में लिए थे क्या उसी का कंपोजिशन मिल रहा है? नहीं, जब कंपोजिशन नहीं मिल रहा है तो दैट इज केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में क्या बताया गया कि आपको कंपोजिशन सेम मिलेगा, कंपोजिशन आपका सेम मिलेगा, लेकिन नेचर आपका सेम हो भी सकता है नहीं सकता, उससे कोई फर्क नहीं। आपको जो कंपोजिशन लिया गया था वो अगर सेम मिल रहा है तो दैट इज फिजिकल प्रोसेस, और जो आपने कंपोजिशन लिया था बाद में भी वही मिल रहा है बेटा दैट इज क्या होगा, वो केमिकल प्रोसेस। तो देखिए, क्या वापस से आपको कार्बन और ऑक्सीजन मिला? नहीं, आपको CO2 मिला। क्या सेम कंपोजिशन मिला है? नहीं मिला, तो दिट इज केमिकल प्रोसेस। मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में जलाया, CO2 और H2O बनाया, तो दिस इज द केमिकल प्रोसेस, और रिएक्शन का नाम होता है बेटा कंबस्शन रिएक्शन। ओके, जैसे रिएक्शन दिया गया है तो PbNO3 का ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, हमने क्या किया, रिएक्शन स्टार्ट कराया, तो दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव। पॉजिटिव जाएगा बेटा निगेटिव के साथ, बनाएगा PbI2 प्लस। आगे देखिए, NO3 निगेटिव है, पोटेशियम के साथ जाएगा तो बनाएगा 2 मोल KNO3। दिस इज द केमिकल प्रोसेस। क्लियर है पॉइंट? ओके, चलिए देखते रहिए, कमेंट देखिए। Why I take more space comparison to water? ठीक है, हाँ बेटा, आप लोग देखिए, क्या नाम है, रिश्का यादव, वेरी गुड। आपने ये पूछा है कि सर जब आइस, वाटर आइस में चेंज होता है तो क्या वो ज्यादा स्पेस घेरता है, मोर स्पेस? वेरी गुड बेटा, देखिए हम बताते हैं आपको कैसे। इस पॉइंट को आप यहां तक समझ लिए हैं, आपका क्वेश्चन जो है मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए समझे, देखो आपका जो क्वेश्चन है कि सर जब वाटर लिक्विड चेंज होगा आइस में, यही क्वेश्चन है आपका। फिर से देख लेते हैं आपके क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन है कि व्हाई आइस टेक मोर स्पेस कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। देखिए अब समझे बेटा, जब हमारे पास वाटर लिक्विड होता है तो वाटर लिक्विड आप जानते हो कि वाटर के पास होता है ऑक्सीजन, ठीक है, और बेटा ऑक्सीजन के पास क्या होता है, दो लोन पेयर होता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, ठीक। तो क्या होता है बेटा, एक वाटर जब दूसरे वाटर के हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो देखिए ध्यान से, ये लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आपको दिखा और बगल में आपके ऑक्सीजन था तो बेटा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ एक बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देता है, और बेटा इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है पॉइंट? क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही देखा, देखो अगले ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ेगा, अगले ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, लोन पेयर पॉजिटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लोन पेयर बॉन्डिंग, क्लियर है। अगला हाइड्रोजन यहां हो गया, इनके बीच क्या बना, लोन पेयर, ठीक है। तो बेटा जब एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो ध्यान से देखिए, इनके बीच एक स्पेस बन जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ओपन
केज लाइक स्ट्रक्चर, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो बेटा अब हमारा जो लिक्विड था वो किसमें परिवर्तित हो चुका है, सॉलिड में। और जब लिक्विड हमारा सॉलिड में चेंज होता है तो अपने अंदर एक स्पेस बना लेता है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतनी क्लास, आज क्लास में इतना बताते हैं। अगली क्लास में यहाँ से हम कॉन्टिन्यूस करेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। शिव नारायण उपाध्याय जी कहें थैंक यू सर, बायोलॉजी अरीना बाय। कुछ नहीं, ओम तिवारी कहें सर कार्बन डाई ऑक्साइड गैस टर्न लाइम मिल्की वाटर। तो बेटा इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी आपका केमिकल प्रोसेस बचा हुआ है। ठीक है, सारी कहानी आपके आगे आएगी, खुद आप खुद देखेंगे। ठीक है, तब के लिए।